मार्च और 19 मार्च को बागेश्वर धाम सरकार का यहां दिव्य दरबार और दिव्य दर्शन का 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। प्लेस जहां आप बैठे हो सामने से उनकी तैयारी दिख रही है, यही जगह है, वहां उनका स्टेज बन रहा है और बाकी के ये 2 मैदान हमने पब्लिक के लिए रखा है। हमारी धारणा ये है क्योंकि अब तक का उनका जो दरबार है वो कम से कम 50,000 के ऊपर लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, शायद 1-1.5 लाख भी हो जाते हैं। तो हमारी तैयारी, हमारे पास ये 2 सबसे बड़ी जो जगह थी तो हमने उसको कंबाइन करके यहाँ स्क्रीन लग जाएगी, वहाँ आगे से बाबा जी है और थोड़ी टाइम बाबा यहाँ भी आके दर्शन दे के जाएंगे, भभूति दे के जाएंगे। तो इस तरह का एक आयोजन किया है यहाँ 18 और 19 मार्च को। और मैं आप सभी पत्रकारों को भी उस दिन आमंत्रित करना चाहती थी कि आप लोग भी आइए और उनका आशीर्वाद पाइए, और आपको बाकी जो भी उनसे पूछना हो तो वो पूछने के लिए वहाँ आपके लिए एक अलग सी एक जगह बनाई जाएगी। और जैसे ही उनकी आज्ञा होगी कहिए या सहूलियत होगी वैसे ही वो आपसे बात करेंगे। मैंने अभी वो उनके जो आयोजन करने वाले यहाँ पहुँचे हैं उनसे पूछा था तो बोले वो बिल्कुल प्रेस से बात करते हैं, वो अपना एक समय देंगे और हर प्रेस के साथ अलग से बात करेंगे। तो बस मेन मुद्दा ये था कि यहाँ दिव्य दरबार का आयोजन किया गया है तो आपको यहाँ साइट पे बुलाया जाए जहाँ ये काम चल रहा है, ताकि आप लोगों को भी एक इसका भी अनुभव हो जाए, इससे ज़्यादा आप ये साइट से वाकिफ हो जाओ और आपको आमंत्रण देना ये दोनों काम हो जाए। मैडम, साइंस टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है, क्या इस तरीके के दर्शन से, उनके आशीर्वाद से ऐसी बीमारियां हल हो सकती है क्या? क्या मानते हैं आप लोक प्रतिनिधि? आप देखिए सर, कैसा है कि अपनी अपनी श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा से जग जीता जा सकता है, तो बीमारी क्या चीज है, उस आदमी को श्रद्धा होनी चाहिए। मैंने फिर कहा कि हम डॉक्टर में भी श्रद्धा रखते हैं, एक डॉक्टर से विश्वास रखते हैं कि इसकी दवा से हम ठीक हो जाएंगे तो जल्दी ठीक होते हैं, तो ये श्रद्धा है। श्रद्धा कुछ भी चमत्कार दिखा, मतलब आपका कहना है कि श्रद्धा से हर बीमारी हल हो सकती है? ये नहीं कहा हर बीमारी, श्रद्धा और चमत्कार बाबाओं के, इस पे आप विश्वास करती हैं? देखिए मैंने फिर कहा कि लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा, आप है, अपना बताइए ना मैम, लोगों के लिए नहीं, आप लोक प्रतिनिधि हैं, आपने आयोजन किया है। बात नहीं कर रही हूँ, मैंने ये आयोजन किया है और मैं चाहती हूँ कि उन श्रद्धा से लोग आए, उनके दिव्य दर्शन प्राप्त करे और उनके आशीर्वाद प्राप्त करे। ये समय बताएगा कि लोग ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मैं कुछ समय के बाद आपको इस प्रश्न का आंसर जरूर दूंगी कि लोग ठीक हुए हैं या नहीं हुए हैं, मैं उनका फॉलो अप लेके। मैडम, बजट में 179 करोड़ रुपीज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और पाइपलाइन के लिए तरतूद की गई। आज की तारीख में मीरा भाईंदर का एक भी एसटीपी प्लांट सुचारू रूप से चालू नहीं है, तो ये एक सरासर सैकड़ों करोड़ों रुपए की लूट है, ठेकेदार का लाभ है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कुछ नया चालू करने जाते हैं तो हर्डल्स बहुत सी आती है। हम प्लांट नया चालू करने जा रहे हैं, उसके कनेक्शन, इतना बड़ा शहर है, वो सब चीज़ ध्यान में रख के कहीं चालू हुआ फिर बंद हो गया। हमने हमारी तरफ से ये निवेदन किया है कि आपको अब ये एक बार का सब 100% चालू करना है और ये देखना है कि ये चालू स्थिति में ही रहे, इसलिए हमने अभी उनसे ये निवेदन किया है कि आपने भले ही उसकी तरतूद की हो लेकिन हर एक एसटीपी प्लांट 100% आपके चालू होने चाहिए। 10 साल हो गए एसटीपी प्लांट बन बन के, आज तक चालू नहीं हुए। पिछले 10 साल में भी तो हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है नगर पालिका का। देखिए और अभी आप वापस 125 करोड़ रुपए दे रहे हैं। देखिए अगर काम पूरा करना है, शहर बढ़ रहा है तो उसकी व्याप्ति बढ़ रही है, उसका हर जगह और पाइपलाइन का एक्सटेंशन होगा तो वो तो होना ही है। शहर बढ़ेगा तो वहाँ और पैसे डालने नहीं, नहीं, लेकिन जो जिसका कनेक्शन ऑलरेडी हो चुका है वो भी तो नहीं चल रहा है ना। जैसल पार्क ले लो, शांति नगर ले लो, अयप्पा मंदिर वाला ले लो, इनका तो आउटलेट है बाकायदा चालू, वो भी तो बंद है आज की तारीख में, उस पर किस चीज का खर्चा? कमिश्नर ने उस पर ध्यान देके जल्दी से जल्दी करना ही चाहिए।